आपने शायद ग्रो ऐप का नाम सुना होगा ना सिर्फ नाम सुना होगा आपने यूट्यूब और टीवी पर ग्रो ऐप के एड्स भी देखे होंगे ग्रो ऐप भारत में स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का एक बहुत ही पॉपुलर माध्यम है पर क्या आप जानते हैं ग्रो ऐप का एक म्यूचुअल फंड भी है जी हाँ ग्रो म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं ये म्यूचुअल फंड हाउस नौ एक्टिवली मैनेज स्कीम्स और दो पैसिव इन्वेस्टमेंट की म्यूचुअल फंड स्कीम्स मैनेज करता है इस वीडियो में हम आपको ग्रो म्यूचुअल फंड की टॉप तीन म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में बताएंगे नमस्कार मैं हूं मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं जेड फंड जहाँ आप कर सकते हैं डेली एस जी हाँ जब हम कमाते रोज हैं खर्चते रोज हैं बचाते रोज हैं तो क्यों ना रोज निवेश करें आज ही जेड फंड डाउनलोड करें और शुरू करें अपनी डेली एस की जर्नी जेड फंडस जहां अब आप देख सकते हैं अपना कंसोलिडेटेड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जी हाँ कहीं से भी की हूँ आपने म्यूचुअल फ़ंड इन्वेस्टमेंट्स आप वो सारी इन्वेस्टमेंट्स देख सकते हैं जेड फंडस ऐप पे और यही नहीं इन सारी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को कोलेटरल रखकर आप ले सकते हैं एक लोन जी हाँ लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स नाउ अवेलेबल ऑन जेड फंड ऐप तो आज ही जेड फंड ऐप डाउनलोड करें और बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट से ग्रो ऐप ने मई 2023 में इंडिया बोल्स म्यूचुअल फंड्स को एक्वायर किया और तब से ये फंड हाउस ग्रो म्यूचुअल फंड के नाम से जाना जाता है इस फंड हाउस का टोटल एयूएम अंडर मैनेजमेंट है तकरीबन आठ करोड़ इस फंड हाउस की टॉप तीन एक्टिवली मैनेज स्कीम्स हैं ग्रो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड ग्रो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड और ग्रो वैल्यू फंड ग्रो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड एक थीमेटिक म्यूचुअल फंड स्कीम है यानि ये एक सेक्टर पे फोकस्ड म्यूचुअल फंड स्कीम है इस फंड का एनएफओ फरवरी 2024 में आया था और इस फंड का एयूएम है लगभग 36 करोड़ 36 करोड़ फंड के मैनेजर्स बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में ऑपरेट कर रही कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं ये एक मल्टी कैप फंड मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं यानी ग्रो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड में आपको इस इंडस्ट्री की लार्ज कैप मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में एक्सपोजर मिलता है इस फंडसेंट का रिटर्न दिया है जबकि इस फंड के बेंचमार्क ने इसकी इंसेप्शन डेट से आज तक का दिया है इक्विटी की में, में भी और फिक्स्ड इनकम में भी और समय समय पर इक्विटी और फिक्स्ड इनकम में अपनी एलोकेशन बदलते रहते हैं जब शेयर बाजार हो जाता है महंगा तो फंड मैनेजर्स शेयर बाजार में प्रॉफिट बुक करके पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं फिक्स्ड इनकम में और जब शेयर बाजार उन्हें सस्ता तो एलोकेशन बढ़ा देते हैं इक्विटी में इस डायनेमिकली मैनेज्ड इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम का एयूएम है 41.3 करोड़ अप्रैल 2024 में इस फंड में इक्विटी एलोकेशन था 78.91 पॉइंटेंट और डेट में एलोकेशन था ट्वेंटी जीरो इस फंडीन पॉइंट के रेट से सालाना रिटर्न दिए हैं जबकि इसी दौरान इस म्यूचुअल फंड स्कीम के बेंच ने फोर्टीन के रेट से सालाना रिटर्न दिए हैं ग्रो वैल्यू फंड एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम है ये स्कीम वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी फॉलो करती है यानी फंड में ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है जिनकी फ्यूचर अर्निंग्स को मार्केट ने अभी ठीक से डिस्काउंट नहीं किया है और शेयर्स अपनी इंट्रेंसिक वैल्यू मूल वैल्यू से कम भाव पर उपलब्ध हैं यानी फंड में ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है जिनकी फ्यूचर अर्निंग्स को मार्केट ने अभी ठीक से डिस्काउंट नहीं किया है और शेयर्स अपनी इंट्रेंसिक वैल्यू मूल वैल्यू से कम भाव पर उपलब्ध है इस फंड का एनएफओ आया था सितंबर 2015 में और इसका एयूएम है 18.89 करोड़ लगभग 19 करोड़ इस फंड का एयूएम है इस फंड ने अपने एनएफओ इन्वेस्टर्स को दिया है 10.89 परसेंट का सालाना रिटर्न और इसी दौरान इस फंड के बेंचमार्क ने दिया है फिफ्टीन का सालाना रिटर्न जैसा कि आपने जाना ग्रो ए की स्कीम्स का अभी एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है और इन स्कीम्स का एयूएम भी अभी बहुत ज्यादा नहीं है आप बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम्स हाइब्रिड कैटेगरी की म्यूचुअल फंड स्कीम्स और वैल्यू इन्वेस्टिंग कैटेगरी की दूसरी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं पर इसके साथ एक रियलिटी ये भी है कि नए फंड एक नई सोच और एक नई फंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं क्या फंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं ग्रो म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स कितना एक्सपोजर हो आपका ग्रो एएमसी की म्यूचुअल फंड स्कीम्स में क्या आप इन स्कीम्स में इन्वेस्ट करें लमसम के माध्यम से या करें एस इस सारी जानकारी के लिए आज ही जेड फंड ऐप डाउनलोड करें और बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट से जेड फंड जहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट्स सही और आसान म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली